जय दादी की। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा की चाक पूजा के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग को एक साड़ी, ब्लाउज पीस, इंडी, रोली, मूली, चावल, हल्दी, सरसों का तेल, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चावल, गुड़, मिठाई, जल का लोटा और वहाँ चढ़ाने के लिए जो है लिफाफा, ये सब हम लोग को घर से ले जाना पड़ता है दोस्तों, कुम्हार के घर पर। और कई लोग क्या है, कुम्हार के घर पर नहीं जाना चाहते हैं तो बैंड बाजे के साथ जाते हैं और कुम्हार को अपने घर के आसपास कहीं पे बुला लेते हैं। इस तरह का अगर कोई गार्डन हो तो गार्डन में वो आकर बैठ जाता है कुम्हार। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके चाक को पहले पानी से धोकर साफ़ किया जाता है। फिर उसके बाद हरियाणा में क्या है, रोली या कुमकुम से नहीं बनाते हैं, हल्दी से पांच स्वास्तिक बनाते हैं चाक के ऊपर में। और इस तरह पांच स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर उस पर मोली बांधी जाती है दोस्तों। उस चाक पर मोली बांधने के बाद में उस चाक की पूजा शुरू होती है, उस पर चावल चढ़ाते हैं। और हम जो अपने घर से मिठाई लेकर आए थे वो मिठाई सारी की सारी पूरी इस पर रख देते हैं। फिर जो सरसों का तेल लाए थे वो भी चढ़ाना होता है तो वो साइड में रख देते हैं। अगर बोतल में आप लाएंगी तो ज़्यादा इजी रहेगा कुम्हार को ले जाने में। और उस पर वो जो चावल और गुड़ लाए थे दोस्तों वो भी इस चाक के ऊपर ही रख देते हैं। और जो साड़ी ब्लाउज पीस लाए थे वो चढ़ाते हैं। फिर इस पर रुपए का लिफाफा चढ़ाया जाता है। और सारा सामान जब हम लोग चढ़ा देते दोस्तों तो इसको क्या होता है, जल के द्वारा मिंगसा जाता है और ये मिंगस की सारा सामान जो है कुम्हार को दे दिया जाता है दोस्तों, वो उस कुम्हार का हो जाता है ये सारा सामान। फिर उसके बाद घड़े की पूजा होती है तो घड़े की पूजा के लिए वो कुम्हार या कुम्हारण जो होता है अपने घड़े पर मोली बांध देते हैं। उसके बाद लड़के या लड़की की माँ जो होती है वो फिर से हल्दी से ही इस पर स्वास्तिक बनाती है। और स्वास्तिक बनाने के बाद इसके अंदर थोड़े से चावल के दाने आंखें डाल देती है और इसे सोने का हार या चैन कुछ भी पहनाती है। घड़े को पहनाया जाता है दोस्तों सोने का हार या चैन। और फिर उसके बाद में इस पर ढक्कन लगाकर जो उनकी जो ननद होती है लड़के लड़की की माँ की, वो अपने सर पर लेकर औरतें गीत गाते हुए और बैंड बाजे के साथ इसको घर लेकर जाती है, जहाँ उसकी भाभी उसको वो दोगड़ लाने का नेक देती है। किसी किसी के घर में दो घड़े लाए जाते हैं, उसे दोगड़ कहा जाता है। वहाँ उसकी ननद को नेक देकर अंदर लिया जाता है और बैंड बाजे वाले को भी नेक दिया जाता है। फिर वो उसको लेकर किचन में जाती है, जहाँ लड़के की माँ उस घड़े को रखवा कर उसको धोकर उसमें पानी भरवाती है। और वो पानी सबसे पहले जो है उस घर का जेंट्स पीता है, उसके बाद उस घर में सब लोग पीते हैं। ये जो मैंने आपको चाक पूजा की रीति बताई दोस्तों, ये हरियाणा की है, ये सेखावाटी राजस्थान में इस तरह से चाक पूजा नहीं होती है। अगर आपको हरियाणा का ये चाक पूजा का वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय दादी की।